Hello everyone, welcome to Understanding Concept. This is me, Reva Gupta, and today I am going to discuss Questioning Skin Micro Teaching Lesson Plan. So, the subject is Mathematics and the topic is Lines and Angles. So, the objective of a lesson plan is to develop questioning skill in pupil teacher properly. तो इस स्किल का क्या काम है? इस स्किल का काम है कि पीपल टीचर में क्वेश्चनिंग स्किल को कैसे अच्छे से डेवलप करना, ये हम इस स्किल से सीखते हैं। तो देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। पहले हम प्रेजेंटेशन की टेबल बनाते हैं जिसमें हम पहले पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस और देन कंपोनेंट, ये सारे हम इस ये हेडिंग्स हैं, ये सब हमें हेडिंग्स लिखनी है। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चंस लिखेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो एक ये पीपल टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, और स्टूडेंट रिस्पांस में हमें लिखना है जो रिस्पांस स्टूडेंट्स ने दिया है वो लिखना है, और कंपोनेंट्स में वो जो लिखना है कि जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं वो किस अकॉर्डिंग में है और आंसर जो दिया गया है वो किस अकॉर्डिंग में क्या रिलेट कर रहा है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइन, देन द स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है अ लाइन इज मार्क कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। तो यहाँ कंपोनेंट क्या यूज़ हुए हैं, रिलेवेंसी एंड क्लैरिटी, मतलब कि जब हमने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर किया तो वो आंसर बहुत क्लियर है और रिलेवेंट है, कि मतलब कि कहीं भी इधर उधर घुमा के उसने आंसर नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर दिया है कि अ लाइन इज अ मार्क कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, इसलिए इसमें कंपोनेंट हमने यूज़ किया है रिलेवेंसी एंड क्लैरिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एंगल, तो एंगल क्या होता है, तो इसका रिस्पांस है एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल करेक्शन, उसने आंसर जो दिया है वो क्या कंपोनेंट यूज़ किया है, ग्रामेटिकली करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम फ्यू टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है फ्यू टाइप्स ऑफ एंगल आर एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ये जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि नेम फ्यू टाइप्स ऑफ एंगल, तो उसके बाद ये रिस्पांस आया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो रिस्पांस आया है वो उसकी स्पीड और पॉज कैसे किस तरीके से आया, तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज हुआ स्पेसिफिसिटी एंड स्पीड एंड पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब यहाँ पे स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री इज, तो ये आंसर आया है 30 डिग्री। अब जब ये आंसर आएगा तो हमें यहाँ पे रीइंफोर्समेंट स्किल यूज़ करनी है, जिससे हमें रिस्पांस करना है वेरी गुड, तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज हुआ है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री, ये क्वेश्चन जो है ये हमें बच्चे से पूछना है जो कि पीछे बैठा हुआ है, तब लिखा हुआ है पॉइंटिंग एट द स्टूडेंट फ्रॉम बैक। अब उसके बाद उसका रिस्पांस, उसने ये बताया कि सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि हमने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा फिर दूसरा किसी और से पूछा, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये फिगर हमें ब्लैक बोर्ड पर बना के उसकी वैल्यू पूछनी है, उसके बाद ही उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, तो यहाँ पर रिलेवेंसी कंपोनेंट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे इवैल्यूएशन टेबल। इवैल्यूएशन टेबल का काम ये होता है कि जब हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं तो आपका टीचर आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करता है, इसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, और जैसे कि आपने जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो आपने किस तरीके से यूज़ किए हैं, सही से किए हैं, क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं। तो यही हमने टेबल बना ली है, तो इसमें हमने लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर फिर कंपोनेंट लिखा है, देन उसमें जो इवैल्यूएट करने के लिए लिखा हुआ है सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, गुड, वेरी गुड एंड एक्सेलेंट। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे, तो क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम जो कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं वो कौन से हैं, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन में रेलिवेंसी, कॉन्शियसनेस, क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी, देन ग्रामेटिकल करेक्शन। नेक्स्ट प्रेजेंटिंग ऑफ क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट किया है, इसमें हम वॉइस को मैटर करेगा, स्पीड एंड पॉज मैटर करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे सजेशन की हेडिंग लिखनी है, यहाँ पे आपको सुपरवाइज़र आपका को सजेस्ट करेगा कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और यहाँ पे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर हैं। तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान।
क्वेश्चनिंग स्किल का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन वॉच माई प्ले लिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।